सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ प्रवलीन कौर। एक वड्डी अपडेट तुहानूं दस दईए, बिक्रम सिंह मजीठिया की जिहड़ी अगाहूं जमानत जिहड़ी उन्हां दी हो चुकी है, पंजाब हरियाणा कोर्ट वालों बिक्रम सिंह मजीठिया नूं इंटरिम इनवैसटीगेशन जिहड़ी हुण अगे चलेगी, 11 तरीक नूं उन्हां दी इक इनवैसटीगेशन चलेगी। उन्हां दे वकील दा बयान सामने आंदा है, दमनबीर सिंह सोपती जिहड़े ने उन्हां दे वकील, उन्हां दा वी बयान तुहानूं सुणावांगे कि उन्हां विच उन्हां ने दस्सिया वी 11 तरीक नूं इहनां दी इनवैसटीगेशन होवेगी कि इस केस दे विच कोई वी गिरफ्तारी है जिहड़ी नहीं होवेगी। तुहानूं दस दईए वड्डी अपडेट, जिस दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया जिन्हां ने लोअर कोर्ट दे विच पिटीशन वी फाइल कीती सी पर जिहड़ी उह खारिज कर दित्ती गई सी। पिछले कुछ समय तो पंजाब सरकार वालों ते नाल दे नाल कांग्रेस पार्टी वालों काफ़ी निशाने जिहड़े बिक्रम सिंह मजीठिया उत्ते साधे गए सी, एक FIR दर्ज कर दी गई सी, ड्रग केस दे विच उन्हां दे उत्ते एक FIR दर्ज कर दी गई सी, ते हुण उस नूं लै के ही पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इस नूं खारिज कर दिता है ते उन्हां दी बेल जिहड़ी दे दी गई है। तुहानूं दस दईए कि जमानत उन्हां दी हो चुकी है ते हुण इस दे विच कोई भी अरैसट नहीं होवेगी। इन्वेस्टिगेशन तो बाद भी उन्होंने वकील का भी बयान सामने आता जिस दसते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो बाद भी कोई भी इन्हों की अरैसट जी नहीं होगी। पिछले कुछ समय तो पंजाब सरकार वालों नवजोत सिंह सिद्धू हो गए, चरणजीत सिंह चन्नी हो गए, राजा विड़िंग हो गए, इन्होंने सब के वालों भी निशाने जोड़े साधे जा रहे, बहुत तिखे निशाने जोड़े बिक्रम सिंह मजीठिया उत्ते साधे जा रहे थे। पुलिस प्रशासन भी जोड़ा इन्हों पकड़न वास्ते लग्या होया हर जगह पर छापेमारी चल रही थी, पर बिक्रम सिंह मजीठिया की जी अरैसट नहीं हुई सी, जिहड़ी बेल उन्हां दी खारिज कर दित्ती गई सीगी, ते हुण इस तों बाद पंजाब हरियाणा कोर्ट वल्लों अज इंटरिम जमानत जिहड़ी उन्हां दी दे दित्ती गई है, अगाऊ जमानत जिहड़ी उन्हां दी दे दित्ती गई है। 18 तरीक नूं 18 जनवरी नूं मुड़ उन्हां दी इक होर हेयरिंग होएगी ते अज दी हेयरिंग दे विच उन्हां नूं जमानत दे दित्ती गई है ते कोई भी अरैसट जिहड़ा उन्हां उत्ते नहीं लग्गा जाएगा। पंजाब हरियाणा कोर्ट वालों ते जस्टिस वालों एक कहा गया कि जिहड़े वी ए तथ्य ने उन्हां नूं देखण तों बाद पता लग्गिया कि 17 साल पुराने केस जिहड़े आ उन्हां करके इन्हां उत्ते FIR दर्ज होई सी, पर हुण तुहानूं दस दईए कि वड्डी अपडेट, FIR दर्ज करन तों बाद वी हुण पंजाब हरियाणा कोर्ट वालों उन्हां नूं जमानत दे दित्ती गई है, इंटरिम बेल दित्ती गई है, जिस दे विच हुण आने वाले समय दे विच उह अरैसट नहीं होणगे। ते उन्हां दे वकील जिहड़े ने दमनबीर सिंह सोपती, उन्हां दा वी बयान जिहड़ा सामने आया है तुहानूं उह वी सुणावांगे कि उन्हां दा कहिणा कि इंटरिम जमानत जिहड़ी उन्हां नूं दे दित्ती गई है ते नाल दे नाल हुण आने वाले समय दे विच इनवैसटीगेशन 11 जनवरी नूं मुड़ 11 बजे ही इनवैसटीगेशन है जिहड़ी उन्हां वल्लों कीती जाएगी, ते पर उस उत्ते भी कोई भी अरैसट जिहड़ा उन्हां उत्ते नहीं दित्ता जाएगा। सब तो वड्डी अपडेट, बिक्रम सिंह मजीठिया पिछले कुछ समय तो घेरे आ रहे सीगे, जमानत उन्हां दी जिहड़ी है बेल उह पटीशन फाइल कीती सी पर उह जिहड़ी रद्द कर दित्ती गई सी लोअर कोर्ट दे विच, हुण अज पंजाब हरियाणा कोर्ट वल्लों उन्हां नूं इक बेल जमानत दे दित्ती गई है, ते जिस दे विच तुहानूं दस दईए कोई भी अरैसट आने वाले समय दे विच उन्हां नूं नहीं होवेगी, खारिज कर दिया गया है। देखे गए ने जिस दे विच उन्होंने दस्सिया है कि जिहड़े केस ने उह 17 साल पहले दे सी, कोई भी फ्रेश केस जिहड़ा इस दे विच नहीं आया सी, फ्रेश मटीरियल नहीं सी। इन्हां तथ्यां ते अज बिक्रम सिंह मजीठिया नूं इंटरिम बेल मान्योग हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दित्ती है। आर्गू किन्ने देर चले क्योंकि 2 बजे केस शुरू होया सी। चिदंबरम साहब ने 2 तो लैके कोई 2:45 बजे तक बहस कीती और जो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड सी और जो सील रिकॉर्ड सी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत केयरफुली माइन्यूटली परूज किया। आफ्टर सीइंग ऑल द रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है दैट दिस इज अ केस वेयर ही कैन जॉइन इन्वेस्टिगेशन एंड व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज जॉइंड ही विल नॉट बी अरेस्टेड एंड रिलीज ऑन बेल। जवाब दिया सी पंजाब सरकार ने, आज जमानत इंटरिम बेल मिल गई है जी, मैटर सब जुडिस है, दलीलां सारियां तुहानूं फिर दस देंगे जी, लेट अस प्रोसीड फर्दर। कंडीशन जिहड़ी इंटरिम बेल दी रेगुलरली हुंदियां जी उही लगियां, कोई खास कंडीशन नहीं लगियां, ते ही विल बी एब्सोल्यूट, प्लीज बी अवेयर फ्रॉम, प्लीज नो दैट ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू अबाइड बाय ऑल द कंडीशंस ऑफ लॉ and he is joining investigation on Wednesday at 11 AM. He has not to be arrested in this case. क्या कोर्ट ने ये भी कहा जी जदों जमानत मिली है कि ये जेड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा दी केस है? सिर्फ इंटरिम ऑर्डर होया जी और उच्च डायरेक्शन दी गई है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे उन्होंने अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बस और कोई डायरेक्शन नहीं। कदों तक ऑर्डर आएगा? वेडनेसडे सरकार वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार वालों की रिप्लाई दिया गया सीगा, सरकार वालों जेड़ा रिप्लाई सी जनाब तुहाडे कोल पिछले 4 दिनों दा हैगा, तुसी ऑलरेडी बहुत बार चला लिया होया, उही सेम पुरानियां गल्लां उन्होंने कीतियां और कुछ नहीं किया। कदों तक ऑर्डर आएगा? ऑर्डर डिक्टेट हो गया जी, जब टाइप हो जाएगा साइन हो जाएगा जरूर आ जाएगा जी। और इन्वेस्टिगेशन कितने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कितने दिन पर जी पूछा जा रहा है कोई बहस कोई असी एडिशनल फैक्ट्स ला देते हैं और जिस विच नंबर 1 एडिशनल फैक्ट सी प्रिंस प्रीत सिंह जेड़ा बलराज सिंह SIT दा चेयरमैन है उन्हों क्विड प्रो को थले चट्टोपाध्याय ने उसके बेटे नू आउट ऑफ टर्न इंस्पेक्टर लाया वो भी इस रिकॉर्ड से ला दिता परसों इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है
ਪਰਸਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ 11 ਵਜੇ ਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜੀ ਨਾਟ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨਾਟ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਕੰਟਰੀ ਟਿਲ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ 438 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੋਦਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ 18 ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼